हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है iTutorial यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है तरुण एंड पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम जो हमारा जो डेवलपमेंट एरिया है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उसको कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो वो तो हो गया था, पर उसमें एक चीज़ मैंने नहीं बोला था, वो भूल गया था, तो इसके लिए सॉरी। एंड उसमें मैं एक मिनट लूँगा इस वीडियो में वो बोलने के लिए कि क्या करना होगा, कि आपको एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करना होगा VS कोड के साथ। अगर आप और कोई भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, बट VS कोड हो या एटम हो या सबलाइम हो, तो इसमें एक जो है एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है इमेट, ठीक है ना, एंड लाइव सर्वर। इस दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे इमेट को तो आई थिंक डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। लाइव सर्वर मतलब ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो ऑटोमेटिक हमारा जो सेव करते ही हमारा जो इफेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र में आके, ठीक है ना। एंड इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन में, यहाँ पे क्लिक करके एक्सटेंशन में जाइए एंड यहाँ पे सर्च कीजिए लाइव सर्वर, ठीक है ना। एंड लाइव सर्वर सर्च करते ही जो भी आपका जो ऊपर में आएगा, ऋतिक दे नाम का एक है डेवलपर, एंड उसमें मतलब एंड ये जो लाइव सर्वर है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरा अनइंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि मेरा इंस्टॉल है पहले से, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद आप एक बार ऑफ करके मतलब इसको क्लोज करके फिर से दोबारा ऑन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड को। उसके बाद आपको यहाँ पे गो लाइव नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करते ही वो जो पेज है ऑटोमेटिक अपना ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है। ओके, इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और बहुत कुछ जान सकेंगे, नया कुछ सीख सकेंगे, ये हमारा वादा रहा इस वीडियो में। चलिए कोई भी टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा है इस प्रोजेक्ट के दौरान, है ना, बहुत कुछ आप नया चीजें आपको सीखने को मिले हैं। ये वीडियो में नेवबार हम डिजाइन करेंगे जो कि बहुत सिंपल रहेगा। यहाँ पे जाते हैं index.html में, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, इसको मैं लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, तो हमारा अभी भी पेज वाइट दिखा रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, इसलिए ये दिखा रहा है। तो हम कर लेते हैं, पहले तो हम जाते हैं index.html में एंड इसका बॉयलर प्लेट जो कोड है वो हम टाइप कर लेते हैं html5 एंड ये हो चुका है हमारा कोड। एंड इसमें हमारा टाइटल क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे फूड जोन का टाइटल है तो हम फूड जोन दे देते हैं इसका टाइटल, तो हम देते हैं फूड जोन। ओके, एंड इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस दबा के एंड जाते हैं एंड यहाँ पे अब हमारा हो गया फूड जोन। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी में आते हैं। बॉडी में मैंने इस वीडियो में हम सिर्फ नेवबार डिज़ाइन करेंगे, तो नेवबार में एक नेवबार टैग ले लेता हूँ, ये स्पेशली नेवबार के लिए ही है। नेवबार मतलब जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कोई भी मेनू बार देख लीजिए उसको आप नेवबार कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने नेव जो टैब लिया है, मतलब ये लिया है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब गूगल हो या कोई भी ब्राउज़र हो उसको पता लग जाता है, अच्छा इसका नेव मतलब यहाँ पे जो भी मेनू बार है हमारा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या था, एंड इसके अंदर हमारा था एक लोगो, देन हमारा जो है हेडिंग एंड उसके बाद मेनू बार। ओके, जो भी हमारा लिंक्स है तो इसको हम कर लेते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद ये जो डिज़ाइनिंग है जो कि ट्रांसपेरेंट है एंड ये जो एनिमेशन है एंड ये जो डिज़ाइनिंग है वो करते हैं। ओके, एंड उसके लिए हम करते हैं एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर ताकि हमारा आसानी हो काम करने में। इसका क्लास अभी नहीं देते हैं। सेक्शन मतलब कोई भी आपका अगर पार्ट है, मतलब मान लीजिए ये एक पार्ट हुआ हमारे एंड ये एक पार्ट हुआ, तो इसको दो सेक्शन में बांट लिया तो इसको आसानी होगा कोई भी काम करने में, कि हाँ ये जो नेवबार है ये एक सेक्शन में रहेगा एंड दूसरा सेक्शन में ये फूड मेनू रहेगा। तो आप सेक्शन सेक्शन में बांट कर ये काम कर सकते। सेक्शन के अंदर हम एक तो लोगो पहले हैं, तो लोगो दे देते हैं यहाँ पे, तो एक डिव लेते हैं यहाँ पे एंड डिव के अंदर लोगो करते हैं, इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमने तो इसके पिछले वाले वीडियोस में देखा था इमेज जो है वो सब मैंने दे दिया था एंड उस इमेजेस के अंदर हमारा था लोगो, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। ये यहाँ पे दो देख सकते हैं, ये जो लोगो है हमारा एंड इसको हम यहाँ पे देंगे इसका सोर्स। तो कहाँ पे है ये डॉट लगा के, मतलब इस फाइल के बाहर जाके डॉट स्लैश लगा के बाहर जाके, इसका डॉट का मतलब एक डॉट का मतलब एक फाइल, मतलब इस फाइल से बाहर जाना। ओके, एंड इस डॉट स्लैश देके देने के बाद इमेजेस पे हम जाएंगे, या आप टाइप कर सकते हैं इमेजेस
एंड उसके बाद हमारा कौन सा इमेज था, लोगो डॉट पी एन जी। तो यहाँ पे हम उसे लोगो डॉट पी एन जी ओके, एंड इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं ये लोगो डॉट पी एन जी आया या नहीं हमारे जो ये, ये देख सकते हैं ये आ चुका है। इसको हम सब कुछ ठीक करेंगे, ये बड़ा दिख रहा है एंड इसका कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है अभी, एंड उसके बाद हम इसका स्टाइलिंग करेंगे। तो एक हो गया डिव लोगो का, इसके बाद वाले डिव में हम लेंगे हमारा जो हेडिंग है, ठीक है ना, एच वन में हमारा हेडिंग ले लेंगे, हेडिंग रहेगा फूड जोन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है फूड जोन वो, तो हम फूड जोन ले लिए एंड एच वन टैग में, एंड इसको हम कर देते हैं सेंटर, ताकि ये सेंटर रहे। सेंटर टैग तो डिप्रिकेट हो चुका है, फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड चलिए सेंटर हम कर देते हैं इसको एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं, ये देख सकते हैं आप सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा कुछ देर के बाद ही। इसके बाद बोले क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा जो लिंक्स है थोड़े ऑर्डर्स, ट्रैक ऑर्डर्स एंड कॉन्टैक्टर्स का, तो इसको हम कर लेते हैं। फिर एक डिव लेते हैं, उसके डिव में हम लेते हैं यूएल टैग, जिससे कि आप जो भी हमारा जो भी लिस्ट है वो हमको लिस्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारा लिंक्स है, एंड इस लिंक को हम रखते हैं एक हाइपर रेफरेंस में, एंड इसमें हम करेंगे क्योंकि इसके हाइपर रेफरेंस इसलिए यूज़ कर रहे हैं लिंक, क्योंकि इस पर क्लिक करते ही कुछ कुछ और पेज खुलेगा ओके, इसलिए हम हाइपर लिंक यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर हम करेंगे एलआई लगा के, हमारा पहला मेनू क्या है, पहला मेनू का नाम ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स लिख लेते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट ओके। तो ये हो चुका है हमारा तीन, एंड इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ऑर्डर्स ट्रैक ऑर्डर्स है यहाँ पे, तो ट्रैक ऑर्डर्स, उसके बाद है कॉन्टैक्टर्स, तो कॉन्टैक्टर्स कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर्स ओके। ये हो चुका है हमारा नेबर का स्ट्रक्चर तैयार, ठीक है ना। इसके बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको पहले तो हमने ठीक ठाक से लिया, ये देख लेते हैं, इसमें एक लोगो था, लोगो ले लिया, इसमें एक हेडिंग था, हेडिंग भी ले लिया, एंड इसके तीन जो है हमारा लिस्ट था, मेनू था, वो भी हमने ले चुका, ठीक है। इसके बाद हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा इसका, तो चलते हैं फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ पे हमारा जो स्टाइल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल सेट यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमको हेड टैग के अंदर हमारा जो स्टाइल टैग है, मतलब स्टाइल जो फाइल है डॉट सी एस एस फाइल, इसको हमको लिंक करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जाते हैं मेटा जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड ये टाइटल के नीचे ही लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमका जो हमारा जो सी एस एस का स्टाइल सीट का जो लिंक है वो हमको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे लिंक, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपने आप ही आ चुका है, एंड एच आर ई एफ में हमको देना पड़ेगा इसका लिंक, तो कहाँ पे है, इस फाइल के बाहर जाके, मतलब एक डॉट एंड स्लैश, एंड उसके बाद ये सी एस एस फोल्डर है, उसके बाद हमारा जो है हमारा क्या फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये आ चुका है, स्टाइल सीट लिंक हो चुका है। तो देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि स्टाइल सीट लिंक हुआ या नहीं, तो स्टाइल सीट में जाते हैं, यानी इसमें मैं करता हूँ, देखता हूँ हमारा जो स्टाइल सीट है वो लिंक हो चुका है सक्सेसफुली या नहीं, तो मैं एक चेंजेस करके देखता हूँ। एक कलर दिया बैकग्राउंड में, स्टार मतलब पूरा रूट जो है हमारा, होल जो है हमारा डॉक्यूमेंट में ये इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हम स्टार यूज़ करते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर हमने सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस दबा के, एंड इसमें देखते हैं, देख सकते हैं ये रेड आ चुका है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं हमारा स्टाइल सीट भी ठीक ठाक से लिंक हो चुका है हमारा एचटीएमएल फाइल के साथ ओके, एंड इसको हम इसको चेंज करते हैं, कुछ और देते हैं, एंड ये देख सकते हैं लिंक हो चुका सक्सेसफुली। अब हम करेंगे ये जो नैब बार है हमारा, जो देखने में अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा होगा ये, बट स्टाइल करने के बाद ये ऐसा ही होगा एकदम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा स्टाइलिंग जो है शुरू हो चुके। एंड यहाँ पे जो होल डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन है, मार्जिन तो आप जानते हैं, मार्जिन मतलब क्या, मार्जिन है हमारा जो आउटसाइड का जो भी जो गैप रहेगा वो मार्जिन कहलाता है, एंड जो इनसाइड का जो गैप रहेगा उसको पैडिंग बोलते हैं हम। अगर मैं मार्जिन जीरो करता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे जो मार्जिन है वो थोड़ा कम चुका है, मतलब घट चुका है, एंड अगर पैडिंग में मैं कम कर दूँ तो वो भी घट जाएगा, पैडिंग जीरो। तो इनसाइड से भी इसका जो भी देख सकते हैं, इनसाइड से भी हमारा कोई भी गैप नहीं है, तो इसके लिए हम मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो यूज़ करते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट को मतलब आसानी हो, डिज़ाइनिंग में भी आसानी हो। एंड इसके बाद हम करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड इसको मैं
बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हम बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि इसको आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, मतलब होल डॉक्यूमेंट का मार्जिन पैडिंग एंड बॉक्स साइजिंग इसको आप सेट कर लीजिए, उसके बाद कोई भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हमने कर लिया ये, एंड उसके बाद हम जाते हैं हमारे बॉडी में। तो आप देख सकते हो इसको सेव करता हूँ मैं, कोई भी इफेक्ट दिखे तो देख सकते हैं। पैडिंग में एंड मार्जिन सब कुछ हमने जीरो कर दिया है ताकि ये हमारा एकदम पूरा ठीक ठाक से डिज़ाइनिंग हो, ताकि गैप ना रहे आउटसाइड में। एंड उसके बाद हमने हमको यहाँ पे बॉडी पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो देना पड़ेगा, तो इसलिए हम बॉडी शुरू करते हैं। एंड बॉडी के अंदर हम देते हैं बैकग्राउंड इमेज जो हमने यूज़ किया था, बैकग्राउंड इमेज अच्छा, एंड उसका URL है कहाँ पे है हमारा, इस इमेजेस के अंदर। एंड यहाँ पे जाते हैं हम .// ओके, इसको हमको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, एंड इसको डॉट देके मतलब इस फाइल के बाहर जाके एंड स्लैश देते हैं, एंड यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि इसके बाहर है ये, तो इसके लिए हमको डबल डॉट देना पड़ेगा। डबल डॉट देके स्लैश दीजिए, एंड स्लैश देने के बाद हमको हमारा जो भी इमेजेस हैं इसको हम करते हैं अटैच, एंड इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड है हमारा, बैकग्राउंड को हम करते हैं अटैच। ओके, तो डबल डॉट मतलब एक डॉट का मतलब इस फाइल से बाहर, डबल डॉट का मतलब इस फाइल से भी बाहर, मतलब ये फोल्डर पे आ गए, एंड इस फोल्डर के ऊपर एक फोल्डर के बाहर एक इमेजेस है, तो ये इमेजेस आ गए यहाँ पर। एंड ओके, तो बैकग्राउंड हमारा सेट हो चुका है, इसको देखते हैं, सेव करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाते हैं देखते हैं हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है ना। तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हमारा लिंक्स है, एंड यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे फूड जोन है। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं, तो बैकग्राउंड हमारा सेटअप हो चुका है, पर यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा ब्राइट है, मतलब ब्राइट में आ रही, यहाँ पे देख सकते हो इतना भी ब्राइट नहीं है, एक काला एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से लिखना होगा बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड कलर में यूज़ करना होगा RGB। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं इसको, पूरा इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का इफेक्ट दे देते हैं, एंड सॉरी 0.0, एंड ये हो चुका हमारा ब्लैक। तो हमने बैकग्राउंड कलर को दे दिया, पर यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा इस बैकग्राउंड कलर का, क्योंकि ये हमारा इमेज को प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए कि इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हमारा जो है लेयर आना चाहिए एक ब्लैक कलर का, जैसे कि यहाँ पे है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपेरेंसी मुझे सेट करना पड़ेगा कॉमा देके। ये तो हो गया RGB के लिए 0.0.0 जो कि है ब्लैक को आइडेंटिफाई करता है, एंड इसको कॉमा देके आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते कि कितना वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं मान लीजिए 0.4 देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ज़्यादा आप देंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट मतलब ज़्यादा होता जाएगा, मतलब डीप होता जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो कुछ पूरा ब्लैक दिखेगा, अगर 0.4 देता हूँ तो उसको मैं दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। एंड उसके बाद हमको ये दोनों को ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्लेंड मतलब इमेज भी रहे एंड हमारा जो भी है हमारा कलर भी रहे, तो ये हो गया ब्लेंड। तो इसके लिए हमको ब्लेंड यूज़ करना पड़ेगा ताकि दोनों ही हम यूज़ कर सकें, इमेज एंड कलर दोनों की ही हमका इफेक्ट दिखे। एंड ब्लेंड मोड में हमको दिखेगा ओवरले को सेट करना पड़ेगा, ओवरले मतलब एक के ऊपर एक लेयर आ जाएगा, ठीक है ना, इसको ओवरले करेगा, इस इमेज के ऊपर ये आएगा, इसलिए हम ओवरले यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी सॉरी वैल्यू। एंड इसको सेव करते हैं, एंड इसमें जाते हैं, ये देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्राइट से एकदम ठीक ठाक ऐसे ही कुछ हो गया। एंड इसको मैं ट्रांसपेरेंट को बढ़ाकर देखता हूँ, इसको 0.4 से 1 कर देता हूँ, देखेंगे यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इसको 1 नहीं करना, 0.4 ही रहने देता है कि ट्रांसपेरेंसी हमको कम चाहिए। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो फिर से थोड़ा ब्राइट दिखेगा, ये देखिए अगर 4 करता हूँ यहाँ पे, एंड ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। तो ऐसे ही आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकोगे। एंड ये हो गया हमारा बॉडी का पार्ट जिसमें हमने इमेज लगाया, उसके बाद कलर, एंड इस दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कैसे किया, ब्लेंड मोड के साथ। अच्छा, उसके बाद हम सेटअप करेंगे इसका, हमारा जो नैवबार था इस लोगो को एंड इसको। तो हम जाते हैं index.html में, एंड यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे देखिए इस सेक्शन को एक क्लास दे देता हूँ, क्योंकि इसको मैं स्टाइल करूँगा क्लास, एंड क्लास दे देता हूँ मैं इसका नैवबार। ओके, इसको सेव करता हूँ, एंड इस नैवबार को हमने इसको हमको डिज़ाइन करना होगा, तो नैवबार को सिलेक्ट कर लिया हमने। एंड क्लास को डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है, डॉट देके क्लास का नाम,
ओके एंड इसके बाद हमको इसको डिज़ाइन करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका जो हाइट है वो थोड़ा शेयर कर देते हैं ताकि ये सब कुछ उसके अंदर रहे। जिसका हाइट बहुत ज़्यादा हो गया तो हाइट हम सेट कर दे रहे हैं, मान लीजिए 70 पिक्सल। तो उसका जो कलर रहेगा वो भी सेट कर देते हैं, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं कलर, ठीक है ना, इसका हाइट 70 पिक्सल है एंड ये जो कलर है जब ट्रांसपेरेंट कलर देख रहे हैं तो फिर से इसका ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसके मान लीजिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं एंड इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि थोड़ा ब्लैक दिखे हमको एंड इसे सेव करते हैं एंड यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं ठीक ठाक से आया नहीं। अब देख सकते हैं ठीक ठाक से आ चुका है, ठीक है ना, ये हमारा हेडर आ चुका है नेबर का आ चुका है, बट ये जो है ये इसके अंदर नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा एंड इसके अंदर हमको लोगो आना है एंड इसको जो भी हमारा जो फूड जोन है ये भी इसके अंदर रहेगा। ओके तो चलिए कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लोगो का जो एक डिव दे देते हैं, क्लास दे देते हैं लोगो का, इसका मान लीजिए इसका क्लास हो गया। आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास यूज़ करना मतलब ये यूज़ टू हो चुका है मेरे लिए, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास ही यूज़ करता हूँ। तो आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास के नाम क्या देता हूँ, इसका लोगो दे देता हूँ, तो ये ज़्यादा आसानी होगा समझने में। एंड फिर से जाके मैं इसका डॉट लोगो क्लास को एक्सेस किया मैंने एंड लोगो के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर हमारा है इमेज, इस इमेज को हमने अब मतलब स्टाइलिंग करना है ठीक ठाक से सजाना है, ये बहुत बड़ा हो गया इसलिए। एंड इसको हमको करना है इमेज को टैग को सिलेक्ट करते हैं एंड अब सिलेक्ट हो चुका है हमारा एंड इसके बाद डिज़ाइन करते हैं। क्या डिज़ाइन होगा, इसका विथ एंड हाइट सिलेक्ट करते हैं, विथ मतलब ये चौड़ाई जो जो है एंड ये हाइट जो है वो लंबाई कितना है वो सेट हो गया। यहाँ विथ सेट कर लेता हूँ मैं 200 पिक्सल एंड हाइट सेट कर लेता हूँ मैं इसका 70 पिक्सल। सेव करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, ओ ओके आ चुका है, ये एकदम परफेक्ट आ चुका है। ये यहाँ पे इसका बराबर एकदम हाइट दे दिया, इसका जो हेडर है उसका, इसको पैडिंग थोड़ा ये इधर लेफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो एक स्पेस आ जाए पैडिंग लेफ्ट एंड इसको मैं 10 पिक्सल का पैडिंग लेफ्ट देता हूँ। सेव करता हूँ एंड जाता हूँ, तो थोड़ा गैप हो चुका है हमारा इनसाइड से। तो ऐसे ही हमारा लोगो भी आ चुका है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फूड जोन इसको हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने भूल गया कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो बॉर्डर है, ठीक है ना, इस बॉर्डर में एक शैडो दिख रहा है, तो वो कैसे लाएं, इसको हम फिल्टर यूज़ करते हैं, फिल्टर शैडो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको ट्रांसपेरेंट कोई भी इमेज के ऊपर अगर आप शैडो देना चाहेंगे तो वो आपको फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो फिल्टर कैसा होता, तो हम दे देते हैं यहाँ पे कहाँ पे लोगो इमेज पे, इसको ऐसे करते हैं फिल्टर जो आपका प्रॉपर्टी हो गया इसका वैल्यू होगा ड्रॉप शैडो। ओके एंड इसका 0 पिक्सल मतलब एक्स एंड वाई जो एक्सिस होगा उसका 0 पिक्सल होगा एंड 10 पिक्सल का हाइट होगा, मतलब पूरा जो हम देख रहे हैं इसका 10 पिक्सल को लेकर ये जो शैडो बनेगा। एंड इसका कलर क्या होगा, कलर हमने दे दिया है थोड़ा येलो टाइप का, येलोइश टाइप का, ठीक है ना, 250 218 आप कुछ भी कलर देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी भी हमने सेट कर दिया 2। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना डीप होगा, ठीक है ना, कितना डीप होगा या कितना हमको जो ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे आपको समझाया है। एंड इसको कर दिया है ड्रॉप शैडो, इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर जाते हैं, देख सकते हैं हमारा ड्रॉप शैडो आ चुका है, ठीक है। अगर इसको मैं वाइट करना चाहता हूँ, वाइट भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं 250 क्योंकि ये जो हाइस्ट है इस वाइट के लिए यूज़ होता है एंड इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पर देखते हैं वाइट कलर का आ चुका है, ठीक है ना। तो हम रहने देते हैं यही एंड उसके बाद देखते हैं फूड जोन को हमने स्टाइल करना है, आप इसके सेंटर में आना है। डॉट एचटीएमएल फाइल में यहाँ पे हमारा जो फूड जोन है इसमें भी एक क्लास यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा आसानी हो हेडिंग नाम का एंड इसको हम सेव करते हैं। यहाँ से स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे डॉट देखे मतलब क्लास का नाम जो है हेडिंग एंड यहाँ पे हम अपना स्टाइल करते हैं। तो इसे क्या होगा, फॉन्ट साइज जो है छोटा है, इसको बड़ा करते हैं पहले। तो फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज एंड इसको कर देते हैं 60 पिक्सल ताकि ये ठीक ठाक से आ जाए एंड देखते हैं फूड जोन आ चुका है ठीक ठाक। एंड इसके बाद हम करते हैं कलर, इसको कलर वाइट कर देते हैं क्योंकि देखने में वो पूरा एकदम काला हो जाए। फूड आप देख सकते हैं फूड जोन वाइट हो चुका है। इसका हम पोजीशन कर देते हैं, मतलब ये देख सकते हैं इस यहाँ पर से हट नहीं रहा, इसके लिए हम पोजीशन सेट करेंगे ताकि ये ऊपर चला जाए एंड टॉप
पोजीशन हम रिलेटिव यूज़ करते हैं, पोजीशन की यूज़ करते हैं। अगर हमको टॉप एंड जो भी टॉप लेफ्ट राइट है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हमको पोजीशन सेट करना ही होगा ताकि इसको हम एड नॉन अटैचेबल बना सके, ताकि ये इधर से उधर शिफ्ट हो सके सके। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ टॉप में जाना होगा, इसको इसको टॉप में चाहिए मुझे, टॉप में क्या लिखता हूँ मतलब मान लीजिए टॉप इसको दे देता हूँ मैं -70 पिक्सल ताकि ये 70 पिक्सल नीचे ना आके ऊपर जाए, इसलिए माइनस हो गया इसलिए ऊपर जाने के लिए। तो इसको देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस पूरा फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए पोजीशन जो है इसका हेडिंग का, इसलिए हम इसको रिलेटिव बना रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं पोजीशन रिलेटिव को हटा के, मतलब ठीक ठाक करके, और आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आ चुका है क्योंकि पोजीशन हमने रिलेटिव कर दिया है। एंड इसको थोड़ा और ऊँचा होना चाहिए तो 72 कर देता हूँ एंड थोड़ा और, हाँ ठीक ठाक है अभी। एंड ये हो गया हमारा हेडिंग। पर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है फॉन्ट ही कुछ अलग है, तो इस फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हमको गूगल फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में जाते हैं नेट में एंड उसमें सर्च करते हैं गूगल फॉन्ट फॉन्ट्स, एंड गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम एक फॉन्ट सर्च करेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है, टैंजरीन एंड टैंजरीन। इसको हम इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, यानी फैमिली सिलेक्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसको हमको कॉपी करना होगा, ये लिंक। ओके, कॉपी कर लिया हमने। करने के बाद हमको index.html में जाना होगा एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं style.css के ऊपर यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना हो और लिंक। ओके, ये हो चुका है। ये ध्यान रखिए, हर वक्त ध्यान रखिएगा कोई भी डिज़ाइन करते वक्त, कि जो आपका निजी जो style.css फाइल होगा वो हर वक्त नीचे रहेगा। जो भी आप यूज़ कर लीजिए, जो भी आप यूज़ करें उसका नीचे, सबसे नीचे ये होगा ताकि ये ओवरराइट कर सके कोई भी फाइल को। अच्छा, एंड इसको हमने कर दिया .es, फॉन्ट को हमने अटैच कर दिया। एंड उसके बाद हमको ये फॉन्ट का नाम क्या है, टैंजरीन। तो इसके लिए हमको ये फॉन्ट फैमिली जो ही है इसको भी हमको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी कर लिया हमने एंड इसके बाद इस क्लास के अंदर भी हमको ये फाइल जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं हम, उस फॉन्ट का नाम देना पड़ेगा। तो फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं टैंजरीन। ओके, एंड उसको सेव करते हैं, देखते हैं फॉन्ट आए या नहीं। देख सकते हैं फॉन्ट आ चुका है अभी। अगर आपको नेट अगर ऑफ करेंगे तो ये फॉन्ट काम नहीं करेगा क्योंकि ये गूगल फॉन्ट है, मतलब गूगल फॉन्ट ऑनलाइन से ये CDN इस्तेमाल करके यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही, अच्छा तो हमारा एकदम ऐसे ही फॉन्ट आ चुका है। बाद में देखेंगे इसका एनिमेशन जो भी है, एंड पहले तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं, जो भी हमारा मेनू बार था इसको सेटअप कर लेते हैं। ये जो होगा ये यहाँ पे होगा राइट। तो हमारा जो नैबबार है तो कहाँ पे है ये देख लेते हैं। नैबबार के अंदर कहाँ पे है, नैबबार के अंदर UL है। ओके, एंड UL के अंदर है LI। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो चुका है तो इसको हम काट देते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको पहले LI देता हूँ एंड उसके अंदर हाइपर रेफरेंस यूज़ करता हूँ। ओके, जो उल्टा हो चुका था, ऑर्डर्स लिखते हैं एंड इसको कॉपी करते हैं। ये आप भी चेंज कर लीजिए ताकि हमको आसानी हो। एंड यहाँ पे क्या था, ट्रैक ऑर्डर्स आई थिंक, यस ट्रैक ऑर्डर्स ही था। एंड कॉन्टैक्ट अस, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। क्यों आसानी हो मैं अब देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, तो इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमको डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये बहुत ही घटिया लग रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या करना होगा, नैबबार के अंदर जाना होगा एंड उसके बाद UL है, इसके बाद LI है एंड इसके बाद A है। तो हम पहले तो LI को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब LI को ठीक ठाक से बनाते हैं, उसके बाद A में हम घुसेंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, अब हम सिलेक्ट करते हैं हमारा जो मेनू बार था, उसके लिए हमको क्या करना है, नैबबार क्लास के अंदर UL टैग है, उसके अंदर LI टैग है। ओके, इसको हम सिलेक्ट करते हैं LI टैग को एंड इसको क्या कर देते हैं, फॉन्ट साइज करते हैं, एक इतना है अभी तो 16 के आसपास होगा, तो इसको 18 पिक्सल कर देते हैं ताकि ठीक ठाक से ये एकदम हूबहू दिखे उसका जैसा। इसको पहले तो पोजीशन देते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे है मुझे चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हमको देना पड़ेगा पोजीशन। रिलेटिव करते हैं ताकि ये हट सके एंड उसका टॉप दे देते हैं, लेफ्ट टॉप करते हैं हम, इसका लेफ्ट करते हैं पहले 960 पिक्सल।
एंड ये हो चुका हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। एंड देखते हैं इसे सेव करते हैं पहले क्या होता है। तो हमारा ये यहाँ पे आ चुका है, ये एंड यहाँ पे आ चुका है, तो ताकि ये हमारा ये ऊपर जाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टॉप करेंगे हम 30 पिक्सल करके देखते हैं माइनस में जाएगा क्योंकि ऊपर जाना है। अब इसे ऊपर आ चुका है तो हमको सिर्फ ये करना है, ये एक लाइन में आ जाए, इन लाइन में आ जाए, तो ये करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पोजीशन रिलेटिव किया ताकि ये हट सके वहाँ से। अगर पुलिस से पोजीशन रिलेटिव ना ही करते तो क्या होता देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ की यहीं पे ये खड़ा रहेगा, वो हटे भी नहीं, हटेगा भी नहीं यहाँ से, क्योंकि हमने टॉप लेट यूज़ किया है तब भी नहीं, क्योंकि हमको पोजीशन रिलेटिव यूज़ करना है ताकि ये हट सके यहाँ से। तो सेव करता हूँ। इसके बाद लेफ्ट किया, लेफ्ट मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये लेफ्ट 960 पिक्सल, मतलब यहाँ से ये यहाँ से आ गया। और उसके बाद इसको टॉप में ले जाते हैं। एंड इसको बहुत तरीका है इसको ऊपर ले जाने का, जैसे कि आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीला हुआ है, मतलब ये लिंक है, तो क्या ये एंकर टैग से ही हो रहा है, एंड इसलिए इसका अंडरलाइनिंग भी वो एंकर टैग से ही आ रहा है। तो इसके लिए हम एंकर टैग को इंस्टॉल करेंगे। अब एंकर टैग को सिलेक्ट करते हैं पहले, तो ये कहाँ पे डॉट नैबर, एंड नैबर के अंदर ईवल के अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग सिलेक्ट हो चुका है हमारा, एंड इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के ऊपर आपको इफेक्ट डालना है उस एलिमेंट को ठीक ठाक से सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका जो भी है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए नैबर ईवल सिलेक्ट हो चुका है, इसको जो कलर है वो ठीक ठाक से हम कर देते हैं वाइट, एंड ऊपर से वाइट हटा दीजिए एंड अगर है आपका, एंड ऑर्डर्स ट्रैक ऑर्डर्स कॉन्टेक्ट वाइट हो चुका है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी अंडरलाइन है एंड बुलेट साइन है वो हट जाए, नन हो जाए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं हम, एंड उसके बाद देख सकते हैं अंडरलाइन में हट चुका है। अच्छा, उसके बाद इसको हमको लाना है एक लाइन में, ठीक है ना, एक इन लाइन में लाना है, तो इसलिए हमको एलआई में एक डिज़ाइन देना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्ले इन लाइन, एक लाइन में दिखाई दे। एंड देख सकते हो एक लाइन में हो चुका है, एंड ये कुछ ज़्यादा कुछ गैप नहीं है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो मैंने गैप सेट कर देते हैं हम, पैडिंग राइट सेलेक्ट कर देते हैं ताकि ये राइट राइट में गैप आ जाए। तो यहाँ पे ये एंकर टैग से होगा क्योंकि एंकर टैग में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पैडिंग राइट, जैसे मान लीजिए 15 पिक्सल का हमने पैडिंग दे दिया, तो देखेंगे गैप हो चुका है, एक आ चुका है। ठीक है, तो हमारा लगभग हो चुका है डिज़ाइन, ये जो हेडर पार्ट था, नैबर पार्ट था, एंड इसमें हम अब लगाएंगे एनिमेशन। ओके, तो ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको सीखना है, मतलब और हमको भी ठीक ठाक से सिखाना है ताकि आपको समझ में आए। ओके, एंड इसको फूड जोन का हमको एनिमेशन देना ताकि ऐसा कुछ हमको दिखे। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, टेक्स्ट शैडो लगा हुआ है, टेक्स्ट शैडो को बार बार एनिमेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको, तो फूड जोन में जाते हैं एंड इसका जो स्टाइल है उसमें जाते हैं हम, एंड स्टाइल जो है इसमें जाने के बाद सिलेक्ट करते हैं, हमको क्या करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग के अंदर H1 टैग को हमको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इसके अंदर ही तो सब कुछ, इसको ही तो हम करने वाले हैं ना, इसलिए हमको हेडिंग क्लास के अंदर H1 टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो जिन क्लासों का आपको स्टाइल करना है तो उन क्लासों को या उन एलिमेंट को ही आप सिलेक्ट करें ताकि आपको ठीक ठाक से स्टाइल ठीक ठाक से वो इफेक्ट डाले। अच्छा, इसका क्लास था हेडिंग, एंड हेडिंग के बाद था H1, एंड इसको हम करते हैं एनिमेशन करेंगे। तो उसके बाद पहले तो देख लेते हैं कि ठीक ठाक से एक टेक्स्ट शैडो देखे, देखते हैं टेक्स्ट शैडो काम कर रहा है या नहीं। ऑब्वियसली काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, तो पहले देखते हैं कैसा लग रहा है। तो पहले तो एक्स एक्सिस देना पड़ेगा, एक्स एक्सिस मतलब वो जानते हैं ये जो वाला पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली जो होता है, तो हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा 10 पिक्सल जाएगा, एंड जो वर्टिकल भी सॉरी हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 10 पिक्सल होगा एंड हॉरिजॉन्टल भी 10 पिक्सल जाएगा, एक्स एंड वाई एक्सिस भी 10 पिक्सल करके जाएगा। ओके, एंड स्प्रेड कितना होगा, जो भी टेक्स्ट शैडो होगा स्प्रेड होगा हमारा 40 पिक्सल का स्प्रेड होगा, एंड कलर कौन से कलर में स्प्रेड होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि मैं दे देता हूँ, ओके, ताकि ये हमारा हो जाए वाइट। ओके, 1 2 3 सॉरी, ये वाइट हमने दे दिया। अच्छा, ये हमने हेक्स कोड यूज़ किया है यहाँ पे, तो इस पूरा तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये हेक्स कोड क्या होता है, इस कलर के लिए यूज़ करते हैं हम, एंड ये 0 से 16 तक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा फूड जोन का एक टैक्स शैडो लग चुका है, स्प्रेड हो चुका है 40 पिक्सल का, एंड इसको जो हमारा
क्या है यहाँ पे वाइट कलर का स्प्रेड 40 पिक्सल की स्प्रेड करके वाइट शैडो ले चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड, मान लीजिए यहाँ पे सिक्स लिख देता हूँ रेड, तो रेड कलर का ये एक शैडो देख सकते हो, रेड कलर का एक शैडो ले लिया है। ओके, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर एक गैप होना चाहिए थोड़ा, तो गैप दे देता हूँ क्योंकि ये देखने में थोड़ा गैप देने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इन बी एस पी नो ब्रेकिंग स्पेस आई थिंक, इसको सेव करते हैं ताकि ये गैप हो जाए। तो ये अभी ये गैप आ चुका है एंड ये हो चुका है हमारा टेक्स्ट शैडो, बट इसको तो एनिमेट करना पड़ेगा। एनिमेट मतलब ये बार बार हो या मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको, तो इसलिए एनिमेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एनिमेशन नेम देना पड़ता है पहले। तो एनिमेशन नेम दे देते हैं एक, ताकि हम दूसरे जगह पे जाके हम इसका एनिमेशन दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड। ओके, एंड इसका कुछ भी दे सकते हैं एनिमेशन नेम, क्योंकि कोई हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन मतलब कितने देर के अंदर ये ख़त्म होगा, पूरा पूरा जो भी हमारा एनिमेशन होगा कितने देर लगेगा। 2 सेकंड कर देते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। एंड ये कि बार बार रिपीट करना होगा, यस इसको रिपीट करना है हमको। एंड एनिमेशन इटरेशन काउंट जो है रिपीट करना है, इन्फिनाइट मतलब बार बार ये होता जाएगा, इनिशियल मतलब एक बार होकर रुक जाएगा। ओके, एंड इन्फिनाइट करते हैं कि बार बार ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके, इसको सेव करते हैं। अभी तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एनिमेशन हमने दिया ही नहीं। अच्छा, इस अब हमको एनिमेशन देने के लिए क्या करना पड़ता है, एट द रेट की फ्रेम्स का यूज़ करना पड़ता है। ओके, की फ्रेम्स यूज़ करने के बाद स्पेस देके हमारा जो एनिमेशन नेम था उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमको एनिमेशन डालना होगा। एनिमेशन में ऑसम, एनिमेशन बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आप एक बार ध्यान से देखिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो एनिमेशन हो 0 से 100% तक काउंट करता है। 0% में कैसा था एंड 100% में कैसा होगा ये देखता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक चेक करना चाहता हूँ, 0% मतलब शुरू क्या कैसे होगा ये। तो शुरू ऐसा होगा कि शुरू का टेक्स्ट शैडो मान लीजिए इसका रहेगा ऐसा कुछ, मान लीजिए 20 पिक्सल एंड 10 पिक्सल का वाई का एंड 40 पिक्सल का स्प्रेड होगा एंड इसका हो जाएगा मान लीजिए आप ब्लू दे देता हूँ। ओके, अच्छा ऐसा कुछ होगा। एंड 100% में ये कैसा होगा, 100% में इसको आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, उसके बाद में देखेंगे हमको तैयार करेंगे। ब्लू ना देखे हम यहाँ पे क्या येलो दे देते हैं। ओके, अच्छा एंड इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल की जगह 30 पिक्सल कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा एनिमेट मतलब लगे कि हाँ एनिमेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये येलो हो रहा है, ब्लू ब्लू से येलो, ब्लू ब्लू से येलो, तो ऐसे एनिमेट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ और भी डीपली एनिमेट करना चाहता हूँ, डीपली मतलब कि 0% के बाद 25% में भी कैसा दिखे ये, ठीक है ना। आप 10% 1% से भी लेके कर सकते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा 25% से ही जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। एंड 25% 0 आप 1% में दे सकते हैं, 2% भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं मान लीजिए ये टेक्स्ट शैडो कर लेता हूँ, ओके ऐसा, एंड इसको कर देता हूँ मैं क्या रेड कर देता हूँ, सॉरी ये तो काम में नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो भी एनिमेशन करेंगे ये इससे शुरू होगा, ठीक है ना। अच्छा, 0% में टेक्स्ट शैडो होगा ब्लू, उसके बाद रेड आएगा 25% में, एंड मैं 75% में कुछ दे देता हूँ। 75% में क्या आएगा, टेक्स्ट शैडो मान लीजिए इसका आएगा, अच्छा कॉपी कर लेता हूँ इसको ना, कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ। कौन सा कलर होगा यहाँ पे, मान लीजिए इसका कलर होगा, एंड यहाँ पे जो भी हमारा जो शैडो है एंड एक्स एंड वाई एक्सिस को चेंज करेंगे, तो ताकि ये दिखे कि हाँ ठीक ठाक से ये हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 पिक्सल का एक्स एक्सिस में होगा एंड 30 पिक्सल का पिक्सल से लेगा ये, 30 पिक्सल होगा ये, एंड उसके बाद फिर से 0 से 0 पे चला जाएगा, एंड उसके बाद मान लीजिए -50 पिक्सल में आ जाएगा, ताकि पूरा राउंड घूमे, ठीक है। इसके एनिमेट के लिए मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे काम कर, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओह सॉरी 500 दे दिया है, इसलिए सेव करता हूँ इसको। तो ये देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको 25 के बाद 50 भी लगाना होता तो 50 भी लगा देते हैं, तो ताकि ये और भी ठीक ठाक लगे। जैसे मान लीजिए इसको दे देता हूँ मैं, कह दूँ इसको पिंक, देख सकते हैं ये जो हमारा एनिमेशन हो रहा है, ठीक है एकदम देख सकते हैं यहाँ पे।
इसके और भी डीपली काम करने के लिए हमको फिर से टेक्स्ट शैडो को बार बार चेंज करना पड़ेगा, मतलब बहुत और भी इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना जाकर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको मैं इस यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारा फूड कार्ड जो था हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, ताकि हमारा समय बचे। सिर्फ आपको दिखा दिया कैसे काम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो पूरा कोड है ना, पूरा जो प्रोजेक्ट का कोड है, वो मैं नीचे डाल दूंगा मेरे गिटहब का लिंक अकाउंट में, और वहाँ पे जाकर आप पूरा देख सकते हैं। सेव करता हूँ तो एकदम वैसा ही दिख रहा है आपको, जहाँ यहाँ पर जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पे एनिमेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमारा नैबर क्या हो गया, हो चुका है हमारा नैबर पूरा डिज़ाइन हो चुका है, लोगो आ चुका है, हेडिंग आ चुका है एंड हमारा लिंक्स भी जनरेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप नेबर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको, एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको मैं जरूर सॉल्व करूँगा। कोई वीडियो बना दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। The storms we chase